बात थाना क्षेत्र के इंग्लिश खानपुर के गहरा नदी के पास मुकेश कुमार उर्फ मुकवा को अज्ञात अपराधियों के द्वारा 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह घटना रात की है, जहां मकई के खेत में निगरानी कर रहा था, तभी घात लगाए अज्ञात अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं मृतक के साथ 2 व्यक्ति और होने की आशंका जताई जा रही है, जिसका नाम गौरव कुमार पिता संजय मंडल और नीरज कुमार पिता संतोषी मंडल है। यह दोनों बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं यह दोनों परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मामले की घटना का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं सूत्रों से पता चल रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं मृतक के पत्नी ने बताया कि रात में मकई के खेत में निगरानी के लिए गए थे। वहीं पूरे मामले में बात थाना की पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। वहीं मौके पर DSP पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में DSP निशार अहमद ने मीडिया को बताया कि मुकेश कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों के द्वारा आवेदन देने पर अपराधियों की धरपकड़ किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लग गई है। सर, ये घटना के बारे में सर बता दीजिए। घटना हुआ है, यहाँ मुकेश मंडल उर्फ मुकवा नाम से जो है, यही कल गए थे अपना मक्की के खेत में, और वहीं से मतलब जब 7 बज गया शाम, उसके बाद से घर के लोग फ़ोन लगाए तो फ़ोन जो है नहीं लग रहा था, तो फिर तलाश करते तो गए तो मोटरसाइकिल मिला उनका, और फिर ढूंढे रात को, लेकिन सुबह में उनका डेड बॉडी मिला है। उसे घटना से 100 मीटर दूरी पर नदी है, नदी क्या नाम है, गहरा नदी में, और उसमें पक्ष द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जो भी दोषी होगा। तो क्या घटना, क्या प्रयास लगाया जाए, क्यास हम लोग थोड़े लगाते हैं, जो सच्चाई होगा होगा, वो तो क्या केस कर रहे हैं वादी पक्ष, उस पर हम लोग देखेंगे, जिसका नाम देंगे उसका जांच करेंगे, दोषी को पकड़ा जाए। 6:30 बजे लगभग की घटना हुआ, 6:30 बजे किसी को शंका भी है, किसी पर शंका नहीं है, जो कारण क्या है, अगर होने का कारण कुछ तो होगा, क्या क्या जमीन विवाद या कुछ विवाद, कुछ नहीं आज हो गई इसलिए। अब बगल से आदमी अभी की जैसे रात में की कर लगे तो यही सब कहा पर रात जो भुट्टा ही जो रहा था। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.